फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं ब्लैक सी के बारे में। ब्लैक सी का मतलब है काला सागर। ये काला सागर पूर्व यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच अटलांटिका महासागर के बीच स्थित है। यह काला सागर कई प्रमुख नदियों के मिलाप स्थल है, जैसे कि एन्यू, नीपर, दक्षिणी बंग, डॉन, रियोनी। इस काला सागर में कई देशों की नदियां बहती है और यह काला सागर करीब 6 देशों के तिमाई निर्धारित करती है। इसका भौगोलिक स्थिति 44 नॉर्थ और 35 ईस्ट है। काला सागर एक लैकिट समुद्र है और इसका मैक्सिमम गहराई तकरीबन 7,257 फीट है। अब हम कुछ ब्लैक सी के पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। इसकी कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है हमारा काला सागर यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्क, जॉर्जिया रूप से घिरा हुआ है। हमारा सेकेंड पॉइंट है बोजनियास और डार्डनेल्स के जरिए एजियन सागर में हर वर्ष करीब 300 किलोमीटर क्यूब का सुहद एवं सकारात्मक जल संतुलन है। हमारा तीसरा पॉइंट है काला सागर तुर्की जल डमरू और एजियन सागर के बीच से होकर भूमध्य सागर में जाती है। हमारा चौथा पॉइंट है बोस्पोरस जल डमरू इसे मरमरा के छोटे सागर से जोड़ता है, जो बदले में एजियन सागर डार्डनेल्स के माध्यम से जुड़ा हुआ है। हमारा पांचवा पॉइंट है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, उत्तर में काला सागर केट्स जल डमरू द्वारा अजेब सागर है। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ ब्लैक सी। काला सागर विश्व के दो उथले जल डमरू डार्डनेल और बोस्पोरस की श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। काला सागर एक रहस्य की सच्चाई है। वी है कि कुछ शोधकर्ताओं के कहना है कि काला सागर अंतिम हिंगनद के दौरान एक मीठे पानी का झील था। अंतिम हिंगनद काल के बाद काला सागर और एजियन सागर में जल का आदान प्रदान हुआ था, जिसके कारण सारे मीठे पानी बोस्पोरस की ओर बढ़ गया और अंत में भूमध्य सागर में मिल गया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।